Hello kids, good morning all of you. How are you all? I hope you all are great. Kids, this is your craft time. Okay, आज हम newspaper से एक paper bag ready करेंगे. Okay, क्या ready करेंगे? Paper bag. Okay, see this? ये मैंने newspaper लिया है. ठीक है, इसे मैंने इस तरह से fold कर दिया है. हम double वाला न्यूज़पेपर लेंगे ऐसा. ओके, अब हमें क्या करना है? सबसे पहले यहां से इसे इस तरह से फोल्ड करना है. ये देखो, इस तरह से. ओके, और इसमें हमें फेविकॉल लगाना होगा. मैं यहां पर फेविकॉल अप्लाई करूंगी और इसे यहां पेस्ट कर दूंगी. ठीक है, इस तरह से. ये देखो, इस तरह से मैंने ये पेस्ट कर दिया है. और ये जो दूसरी लेयर है, इसे भी हम यहां पर पेस्ट कर देंगे इस तरह से. ये हमारा डबल हो जाएगा. ये देखो, इस तरह. अब आप इसे भी अंदर फेविकॉल से पेस्ट कर सकते हो. ठीक है, ये देखो, हम ये डबल लेयर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि न्यूज़पेपर बहुत थिन होता है ना. और वो टियर भी हो सकता है जल्दी. अगर हम इसे डबल कर देंगे तो वो थोड़ा थिक हो जाएगा. ठीक है, अब हमें क्या करना है? यहां से हमने फोल्ड किया था. ये देखो, यहां से हमने इतना बड़ा फोल्ड किया है. यहां से अब हम इस तरह से यहां से फोल्ड करेंगे. यहां बहुत थोड़ा सा फोल्ड करना है. यहां पर हमें इसमें कटिंग नहीं करनी है कहीं भी. देखो, है ना, यहां मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया. और इस साइड पे हम फेविकॉल अप्लाई करेंगे थोड़ा सा ही. ये देखो, इस तरह से. अब क्या करेंगे? इस साइड को, इस साइड के ऊपर यहां जो हमने फोल्ड किया है यहां पर पेस्ट कर देंगे. ठीक है, देखो. और ये आपको खुद बनाना है. ये मैंने इसे पेस्ट कर दिया. ये देखो, ठीक है, ये हमारा पेस्ट हो गया है. किड्स, ये इस तरह से पेस्ट हो जाएगा. ओके, अब हमें क्या करना है? जहां से इस साइड से हमारा फोल्ड है लेकिन दूसरी साइड से हमारा फोल्ड नहीं है, तो अब हमें क्या करना है? सबसे पहले इसे ऐसे ही एक थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, तो हमारी एक लाइन आ जाएगी यहां पर. ठीक है, अब हम इसे ओपन करेंगे. सी दिस, इस तरह से ओपन करेंगे हम. और फोल्ड किस तरह से करेंगे? जहां तक हमारी लाइन, हमने यहां लाइन आ गई है ना, इसे इस तरह से ऐसे लाइन तक ही बस इस तरह से लेकर आएंगे. और यहां से प्रेस करेंगे ऐसे ही, इस तरह से यहां पर लेकर आएंगे. सी दिस, ये हमने फोल्ड किया हुआ है ना, इस तरह से. ये देखो, मैंने क्या किया है, ये वाला अंदर ऐसे ही, ये वाला अंदर, तो हमारा इस तरह से बनेगा. अब इसे यहां पर और इसे यहां पेस्ट कर देंगे यहां पर. ठीक है, चलो तो पेस्ट करते हैं. ये देखो, मैं अब यहां पर पेस्ट करूंगी. मैंने ये फेविकॉल यहां लगा दिया है. ठीक है,
ये देखो ये मैंने इसे यहां फोल्ड किया है सबसे पहले इस तरह से, फिर इसे इसके ऊपर पेस्ट कर दिया, ये देखो इस तरह से, ठीक है। अंदर आप हैंड को इधर अंदर से यहां से प्रेस करोगे, ये देखो मैंने इसे प्रेस करके यहां पर पेस्ट किया कर दिया है, ये देखो हो गया ना हमारा पेस्ट, ये हमारा पेस्ट हो चुका है। अब क्या करना है हमें, अब हमें यहां पर दो होल करने हैं दोनों साइड यहां से, और इसमें रिबन टाइट करना है, ओके। तो हम यहां पर होल करते हैं दो, ठीक है। कोई भी आप पेंसिल ले सकते हो या फिर कोई भी शार्प थिंक ले सकते हो जिससे आप यहां पर होल कर दो, ठीक है। लेकिन यहां से भी उतनी ही दूरी पे होना चाहिए, यहां से भी बराबर, ये दोनों बराबर दूरी पे करने हैं हमें, ठीक है। मैं यहां करूंगी एक ऐसे और एक यहां करूंगी, ठीक है, ऐसे ऐसे ही बिल्कुल इसके सामने यहां, ठीक है, बिल्कुल जहां हमने ये वाला किया है उसी के इस साइड पे करना है हमें, दूसरी साइड पे यहां, बहुत हल्के से करना है आराम से, ताकि जो पेपर है न्यूज़पेपर वो टियर ना हो ज्यादा, ये देखो। अब हमें इसमें रिबन यहां पर लगाना है, ये मेरे पास एक रेड कलर का रिबन है, ठीक है, इसे मैं टू पार्ट्स में फोल्ड करके कट कर लूंगी, ये देखो मेरे पास काफी लंबा रिबन है ना, इसे टू पार्ट्स में इक्वली बांटूंगी, ये मैंने फोल्ड किया है इक्वली, ओके, यहां से मैंने दोनों को फोल्ड किया है दोनों पार्ट्स को, और मैं यहां से कट कर दूंगी, है ना। अब सबसे पहले एक पार्ट को लेंगे, यहां पर रख के हम इस जो हमने होल बनाया है हम इसमें यहां पर रिबन को अंदर इस तरह से यहां डाला हमने, और यहां पर क्या करा, यहां पर एक गांठ लगा दी, ठीक है, ये देखो इस तरह से हमने यहां पर एक गांठ लगा दी, ये ऐसे ही दूसरी साइड यहां पर इस होल में डालेंगे, यहां से बहुत आराम से निकालना है, ये देखो, फिर हमें यहां पर भी एक गांठ लगानी है, एक साइड का हमने पकड़ने के लिए रेडी कर दिया है, अब दूसरी साइड, ठीक है, इसी तरह से दूसरी साइड करेंगे। ये देखो किड्स, ये आपका हैंडबैग रेडी है,
है ना। आपको भी इसी तरह से हैंडबैग रेडी करना है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय किड्स।